नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो एक 10+2 के लिए बेहतरीन भर्ती आपको निकल के आई है। 1526 पद जो आपके, अगर हम बात करें फोर्सेस में एएसआई के और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्रियल के आपके पद निकल के आए हैं। 1500 टोटल 26 पद है। कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या अर्हता चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इन सब के बारे में मैं आज आपको बता दूंगा। ये वैकेंसी कब आएगी, कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कब इसका एग्जाम हो जाएगा, ये पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा और जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए इच्छुक हैं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, सर हम इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, इसकी मुझे तैयारी करना है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। टीम परीक्षा प्लस एक डेडिकेटेड बैच इसके लिए लेकर आ रही है जो खासकर आपके एएसआई और एचसीएम के लिए रहेगा। तो जो बच्चे अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल, चाहे आप कंप्यूटर ऑपरेटर, जो एएसआई की तैयारी कर रहे थे ना, तो सेम उन्हीं के लिए एक और मौका है जो आप 1.5-2 महीने में आप एक वर्दी पा सकते हो और एक अच्छी जॉब, जिस जॉब की आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो उसी से रिलेटेड आपकी ये भी जॉब प्रोफाइल है। तो उसी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। टोटल 1526 पद हैं। एएसआई स्टेनो, आप एएसआई कंप्यूटर में, आप यूपी पुलिस में एएसआई की तैयारी कर रहे हो, आप यहां सेंट्रल लेवल पे तो कर लो, एग्जाम दे लो, क्या करना है, मैक्सिमम चीजें आपकी वही मिलेंगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तो मिनिस्ट्रियल आप एएसआई मिनिस्ट्रियल जैसा होता वैसे ही आपका है, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो एक सेंट्रल लेवल पे आपके फोर्सेस में ये वैकेंसी है। आपको मैं बता देता हूं कि किसमें कितने कितने पद आए हैं, तो अच्छी खासी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि एक साथ आप तैयारी में 2 एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये पेपर कटिंग है जो आपको, ये नोटिफिकेशन जब लाइव होगा इसके बारे में हम ऑलरेडी और लेकर आएंगे डिटेल कि क्या चीजें क्या हो रही हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम एक साथ सभी के वैकेंसी निकाली जा रही है। इससे पहले जो होता था एएसआई का चाहे एससीएम का, तो वो बेसिकली क्या होता था कि सभी सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी अपना अलग अलग नोटिफिकेशन निकालती थी, लेकिन ये पेपर कटिंग देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार सभी के मिनिस्ट्रियल वाले और स्टेनो वाले जो पद हैं एक साथ कराए जाएंगे, तो इससे फायदा भी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इज कंडक्टिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां पर देखिएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड कॉम्पिटेंट स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ना, इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एंड वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट हवलदार क्लर्क इन असम राइफल्स एग्जामिनेशंस 2024। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हु आर ऑर्डिनरली रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर वन पोस्ट ओनली थ्रू अ बीएसएफ रिक्रूटमेंट पोर्टल यूआरएल। ये आपको बीएसएफ के रिक्रूटमेंट पोर्टल से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और कब से अप्लाई कर सकते हैं ये ध्यान रखिएगा, ओपनिंग डेट 9 तारीख को है, 9/6/2024 से स्टार्ट होगा और 8/7/2024 तक, मतलब ओवरऑल 1 महीने का आपको समय मिला, और 1.5 महीने बाद ही, ये बहुत समय नहीं देता है, 1.5 महीने बाद आप कर सकते हो, 1.5 मंथ के बाद इसका एग्जाम कंडक्ट करा रही है। अगर हम बात करें अगस्त, ये आपका जुलाई है, जुलाई के बाद अगस्त का मौका मिलेगा आपको, लास्ट सितंबर तक आपके एग्जाम हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक इसका एग्जाम हो जाएगा। तो बहुत कम समय में आप एक नौकरी पा सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है तो ये ध्यान रखिएगा। तो पोस्ट पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको यहां पर दिया गया है कि किस किस फोर्स में कितने कितने पद हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का एंड वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट का, ये जो पद हैं आपके सीआरपीएफ में, मेल और फीमेल सब मिला के 21 पद हैं, ठीक है, और बीएसएफ की बात करें मेल और फीमेल मिला के तो 17 पद हैं। आईटीबीपी की मेल और फीमेल की बात करें, ये स्टेनो वाला और आपका पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बता रहा है, तो इसके लिए आपके 56 पद हैं।
सीआईएसएफ में आपके मेल फीमेल के 146 पद हैं और एसएसबी में आपके टोटल 3 पद हैं। ये आपके क्या है, एएसआई के पद हैं। उसके बाद से आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी आपके पद हैं, सबसे ज्यादा इसी में पद आपको देखने को मिलेंगे। सीआरपीएफ में 282 पद हैं, उसके बाद से बीएसएफ में आपको 302 पद हैं, आईटीबीपी में आपको 163 पद है, सबसे हाईएस्ट जो पद है 496 वो सीआईएसएफ में है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले इन सभी की अलग अलग भर्तियां आती थी एएसआई के तौर पर, एएसआई स्टेनो और एससीएम की, लेकिन अब क्या है कि एक ही बोला ना कि आप बीएसएफ की वेबसाइट पर जाके आप पोस्ट वाइज अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे साफ साफ आपको इस नोटिफिकेशन, बाकी इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको सब कुछ मैं बता दूंगा कि हाँ कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। अभी ये पेपर कटिंग है, ठीक है, अभी ये पेपर कटिंग है, बस यही बोला। बोला है कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर वन पोस्ट ओनली थ्रू, सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जो पोस्ट आपकी दो ही है, एक स्टेनो वाली एक हवलदार वाली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से यहां पर बोला है नंबर ऑफ वैकेंसी गिवन अबव आर टेंटेटिव एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज एट ए टाइम ऑफ स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसमें घटाव और बढ़ाव हो सकता है जब तक आपका ये वैकेंसी फाइनल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ये सब चीजें दिया गया है, बाकी आप जो भी डिटेल आएगा वो इस वेबसाइट पर जाके एक बार बीएसएफ वाले रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जाके हम देख सकते हैं 9 तारीख के बाद से, ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी अगर हम बात करें, पिछले जो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जो एएसआई से रिलेटेड और एससीएम से रिलेटेड रहे हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि कैसा पैटर्न रहा है एग्जाम का, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगता है। तो एक बार हम कंफर्म कर देते हैं, बाकी चीजें कुछ बदलाव होगा तो नोटिफिकेशन 9 तारीख को आएगा तो वो हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या क्या चीजें। सबसे पहले बात करें कि सैलरी क्या होगी इसमें, तो सैलरी आपकी क्या होगी, लेवल 5 की सैलरी होगी, 29,200 बेसिक होगा आपका एएसआई का, और एचसी का जो होगा वो 25,500 बेसिक होगा। इस पे आपको अलायंसेस अलायंसेस मिलेंगे, मतलब ये आपका कहीं ना कहीं 40-45,000 के आसपास, 40 से लेकर 45,000 तक ये जाएगा, और ये आपका 35K तक आपका जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, 35 से 40 के पास जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो ये ऑलमोस्ट ये आपकी सैलरी है, ठीक है, तो सैलरी आपकी ठीक ठाक है, ये ध्यान रखिएगा। जिसके अकॉर्डिंग अब एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसमें, पहले तो एक आइए एलिजिबिलिटी में एज क्राइटेरिया, सभी लोग पूछते हैं, तो एज क्राइटेरिया जब का ये फॉर्म आएगा लास्ट डेट तक आपको ये एज फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे मैक्सिमम इसमें जो देखा गया वो 18 से 25 मांगता है, एज क्या मांगता है 18 से 25 साल मांगता है, ये आपके जनरल कैटेगरी के लिए होता है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में मिलता है वो मिलेगा, जैसे आपका एससी एसटी 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय इंक्लूडिंग सर्विंग बीएसएफ पर्सनल विद द 3 ईयर कॉन्टिन्यूस सर्विसेस ने किया है, तो उनको आपका अप टू द 40 साल, और एससी एसटी वालों को अपर एज लिमिट 45 साल का है। एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व पीरियड मिलिट्री सर्विसेज प्लस 0-3 साल इनको वैलिड मिलाता है, ओबीसी वालों को 3+3 6 साल का हो जाता है, और एससी एसटी वालों को 5-3 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है एक्स सर्विसमैन को। विडोज डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड, जो नहीं रीमैरिड है यूआर की, उनके लिए भी जो आपके कहीं ना कहीं डाइवोर्स्ड वुमेन है, तो मैक्सिमम आपके 35 साल तक इन्हें बोला गया है। उसके बाद से विडोज डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ओबीसी वालों के लिए 38 साल का है, 35+3 मिल जाएगा 38 साल अपर लिमिट, और एससी एसटी के 40 साल तक अपर एज लिमिट है उन महिलाओं को जो कहीं ना कहीं अपने पति से जुडिशियली, मतलब आप कानूनी तौर से अलग रह रहे हैं, या उनके हस्बैंड नहीं है, या डाइवोर्स हो चुका है, तो ऐसे लोगों को अपर एज जो है जनरल में 35 साल, ओबीसी में 38 साल और एससी एसटी में 40 साल वुमेन का यहां पर रिलैक्सेशन आपको मिलता है। अब आते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगेगा, तो चाहे आप सब इंस्पेक्टर के लिए एएसआई के लिए भरो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भरो, या आप एससीएम के लिए बोलो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भरो, दोनों क्लर्कियल पोस्ट ही है, ये ध्यान रखिएगा।
तो थोड़ी बड़ी सैलरी में डिफरेंसेस हैं, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आपको 10+2 का मांगता है और उसके इक्वेलेंट मांगता है। लेकिन कुछ कुछ पोस्ट में, कुछ कुछ अगर हम बात करें, जैसे CISF की बात करें, चाहे CRPF की बात करें, तो यहां पे कई जगह पे डिप्लोमा, 10th के बाद डिप्लोमा जो लोग करते हैं, जो 12th के इक्वेलेंट मांगा जाता है, तो जो इंडिविजुअल नोटिफिकेशन आया था उसमें किसी किसी में साफ साफ एक नोट बना के ऐसे लिखा था, देखो, 2 or 3 year डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन टेक्निकल एजुकेशन डन आफ्टर 10 क्लास इज नॉट इक्वेलेंट टू 10+2। तो अब नए नोटिफिकेशन में क्या होगा, वो 9 तारीख को पता चलेगा कि क्या चीजें चेंजेस हो रही हैं क्या नहीं। लेकिन ये किसी किसी में, सब में तो नहीं लिखा रहता है, लेकिन क्योंकि यहां पे तो सबको एक साथ मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, नहीं तो हमेशा इसका अलग अलग वैकेंसी आती थी तो उस समय ऐसे ही आपका लिखा रहता था। और क्या चाहिए, स्किल टेस्ट आपको चाहिए, जैसे ASI के लिए स्टेनोग्राफर चाहिए, होना चाहिए। स्टेनो में आपको बोला है कि शॉर्ट हैंड आपको 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, इंग्लिश का 80 वर्ड पर मिनट आपको स्टेनो आना चाहिए। स्टेनो एक लैंग्वेज होता है, दोनों में से कोई एक आपको आता है, या तो इंग्लिश स्टेनो कर लो या हिंदी कर लो। और इन हिंदी इन इंग्लिश 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, और इन हिंदी इन 10 मिनट। ट्रांसलेशन ऑफ डिक्टेशन इन इंग्लिश इज 15 मिनट्स और हिंदी इज 65 मिनट ऑन ए कंप्यूटर। देखो 80 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश और इन हिंदी में आपको क्या चाहिए, स्टेनो चाहिए। कितने मिनट का समय मिलेगा, 10 मिनट का। स्टेनो लिखने के लिए आपको जो समय मिलेगा वो 10 मिनट का मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों का, ठीक है, समय आपको वही मिलेगा। जो आपका डिक्टेशन बोल दिया जाएगा 10 मिनट में, आप जो 80 वर्ड का आप लिख लिए, फिर उसको ट्रांसलेट करोगे आप सिस्टम पे बैठ के, तो उसके लिए अगर इंग्लिश वाले स्टेनो किए हो तो उसमें 50 मिनट का आपको समय मिलेगा कि आप जो डिक्टेशन है उसको ट्रांसलेट कर लो आप ओरिजिनल फॉर्म में, और हिंदी वालों के लिए 65 मिनट का समय मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हेड कॉन्स्टेबल की बात करें टाइपिंग टेस्ट में, तो टाइपिंग टेस्ट भी आपके इंग्लिश या हिंदी दोनों दे सकते हो। तो 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट आपका किसमें है, इंग्लिश आपका, या आप हिंदी में 30 पर मिनट दे सकते हो। हिंदी की टाइपिंग आती हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपका लेगा, लेकिन यहां पे की स्ट्रोक का भी खेला है, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी कॉरेस्पॉन्ड टू 10,500 की डिप्रेशन पर, है ना, यहां पे की डिप्रेशन आपसे मांगा है, ये ध्यान रखिएगा, इन इंग्लिश, और 9,000 की डिप्रेशन इन हिंदी, ये होना चाहिए विद एन एवरेज 5 की डिप्रेशन ऑफ ईच वर्ड ऑन ए कंप्यूटर। यहां पर बेसिकली क्या होता है कि 5 वर्ड का 5 जो लेटर होते हैं ना, यहां पर बोला है कि 5 की डिप्रेशन, 5 लेटर जो डिप्रेस करोगे, कीज जो प्रेस करते हो, 5 की का 1 वर्ड माना जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका यहां पर की डिप्रेशन निकाला जाएगा जितने शब्द आप टाइप करोगे। तो वो चीजें आ जाएंगी, जब आप कितनी स्पीड आएगी तो ऑलमोस्ट ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट की बात करें यहां पर, कि जो आपके हेड कॉन्स्टेबल में टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें क्या होगा कि जो मार्किंग होगी, ईच एरर इंक्लूडिंग स्पेलिंग मिस्टेक, कोई वर्ड आप गायब कर देते हो, ओमिशन कर देते हो, कोई पंचुएशन मार्क गायब कर देते हो, या किसी रिपीटेड वर्ड को रिपीट कर देते हो, वर्ड आप कोई डिफरेंट टाइप कर देते हो फ्रॉम द टेस्ट एक्चुअल पैसेज से, वर्ड नॉट इन द पैसेज, जो पैसेज नहीं है वर्ड में वो टाइप कर देते हो, मिक्सिंग ऑफ वर्ड या वर्ड को मिक्स कर देते हो, विल बी काउंटेड एज ए वो उसे मिस्टेक काउंट किया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा वर्ड बना दिए, कोई पंचुएशन मार्क्स लगा दिए, अलग से आपने क्या कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, कोई वर्ड गायब कर दिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा चीजें किए इसमें से, तो वो मिस्टेक माना जाता है। और मिस्टेक इक्वलिंग टू 5% ऑफ द वर्ड इन द पैसेज एक्चुअली टाइप बाय द कैंडिडेट विल बी अलाउ परमिशेबल फॉर ईच मिस्टेक बियॉन्ड 5% ऑफ द परमिशेबल लिमिट 10 वर्ड विल बी सब्ट्रैक्टेड और डिटेक्टेड फ्रॉम द टोटल वर्ड टाइप बाय द कैंडिडेट ऑफ द असेसिंग एक्चुअल टाइपिंग स्पीड। समझ में आया, 5% तक तो आपका ठीक है, 5% ऑफ द टोटल वर्ड इन द
पैसेज एक्चुअली टाइप बाय द कैंडिडेट विल बी अलाउड, 5% एरर आपका अलाउ होगा। अगर 5% के बाद आपने एरर किया तो आपका क्या होगा, हर एरर पर 10 वर्ड आपके जो टाइप है वो माइनस होते चले जाएंगे। बहुत खतरनाक मार्किंग है इसकी, माइनस तो आप वैसे भी फेल हो जाओगे। तो 5% के अंदर ही रहना, बस मैं यही कहना चाहता हूं। स्टेनो टेस्ट में क्या होगा, बिहाइंड 40 मिस्टेक, अगर आप 40 में, ये हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए, अभी जो पुराने नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यही बता रहा हूं, 40 मिस्टेक विच इज 5% ऑफ 800 वर्ड, जो 5% है 800 वर्ड का, इन 10 मिनट्स डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट द कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड फेल। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या बोला है कि 40 मिस्टेक से अगर आप ज्यादा करते हो, मतलब 5% मिस्टेक से आपका ज्यादा हुआ मिस्टेक, तो आपको स्टेनो में फेल करार दे दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों जगह 5% की गलती आपको दी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन में इसमें देखिए, पहले आपके अलग अलग के अलग अलग होते थे, कोई OMR बेस्ड होता था, किसी में फिजिकल टेस्ट पहले होता था, फिर रिटेन टेस्ट होता था। अब देखते हैं कि अगर एक साथ इनका रिक्रूटमेंट होगा तो पहले क्या कराया जाता है, कुछ एग्जामों में पहले फिजिकल होता था, फिर आपका कहीं ना कहीं रिटेन होता था, कुछ में रिटेन होता था, फिर बाद में सब बाकी चीजें होती थी। तो यहां पर CBT मोड भी या OMR बेस्ड भी, वो डिपेंड करेगा कि अब नया किस हिसाब से ये कंडक्ट करा रहे हैं। और ये भी क्राइटेरिया था कि UR के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो था CBT में वो 40% था, और EWS OBC और ST के लिए 35% आपको मार्क्स ले आना था। अब हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात कर ले तो क्या आएगा, यहां पर 1.5 घंटे की बात किया गया है कि 1.5 घंटे का आपका ये समय रहेगा। हो सकता है कि समय इससे भी कम मिले या इससे ज्यादा मिले, वो डिपेंड करेगा। देखो चीजें सेम रहेगी, थोड़ा मोड़ा किसी में, जैसे अगर मैंने अभी देखा था तो CISF में शायद 2 घंटे मिलता है ना, ठीक, तो CISF में 2 घंटे 120 मिनट का होता है, तो वो डिपेंड करता है आपका। तो बेसिकली चीजें यही रहेंगी, आपका ABCD 4 कैटेगरी जो GD वाला होता है ना, तो सेम GD वाला प्रोसीजर यहां फॉलो होगा। हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, पहला जो होगा हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल रहेगा, आप इनमें से चाहे हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश ले लो, 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। फिर जनरल एप्टीट्यूड का मतलब हो गया आपका क्या, GS, ये जनरल एप्टीट्यूड मतलब GS हो गया, GK GS, तो GK GS के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, फिर आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और फिर आपके मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ये आपका पैटर्न है। अब नए नोटिफिकेशन में इंतजार रहेगा कि क्या चेंजेस होते हैं क्या नहीं होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। पहले किसी किसी में निगेटिव मार्किंग होती थी, किसी किसी में नहीं होती थी, तो चांसेस अब देखते हैं कि अब क्या होता है, क्योंकि इस बार सब कुछ अलग है, हम नहीं कह सकते कि यही रहे, ऑलमोस्ट चीजें रहेंगी, मान के चलो कि 80% सेम रहेगा, 20% आपका इसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होगा। जैसे अब इंग्लिश हिंदी जो है, GS मैथ्स रीजनिंग, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, ये तो सिंपल सी बात है। टाइम का ड्यूरेशन कम ज्यादा हो सकता है, निगेटिव मार्किंग में कुछ हो सकता है कि ना हो या हो भी, वो डिपेंड करेगा आपका जो आपका 9 तारीख से नोटिफिकेशन लाइव होगा उस पर। फिर आपको ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो सबके लिए सेम ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है फोर्स की बात है, तो वो उतना मांगेगा ही मांगेगा, और सब में ये होता ही होता है। तो हाइट जो आपकी मांगती है मेल कैंडिडेट के लिए, तो हाइट क्या मांगा है, 165 सेंटीमीटर, ठीक है, और मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है बिना एक्सपेंड किए 77 और एक्सपेंड करने के बाद 82, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, ठीक। अब उसके बाद से कैंडिडेट जो इस कैटेगरी में आते हैं, गारवालीस, गोरखा, डोगरास, मराठास, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनके लिए हाइट जो है थोड़ा रिलैक्सेशन है, 162.5 है, और इनका भी ये 77 और ये 82, तो वही सेम चीज है। और आर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST वाले जो होंगे उनके लिए भी 162 है, और जो ये चेस्ट है 76 है, फुलाने के बाद 81 है, एक आपका इससे कम किया गया है। और फीमेल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड दोज लिस्टेड एट सीरियल नंबर यहां पर 5th and 6th, यहां पर क्या हो जाएगा देखो, उनके लिए 155 यहां पर,
155 आपके फीमेल के लिए है, बाकी चेस्ट नहीं लगता है। और फीमेल जो आपकी इन एरिया से आएंगी उनके लिए हाइट जो होगा वो आपका 150 होगा। और एसटी के लिए जो फीमेल आपके एसटी कैटेगरी से आएंगे, एसटी कैटेगरी के फीमेल के लिए खासकर खाली एसटी के लिए आपके 150 सेंटीमीटर की हाइट मांगा है। बाकी आपके जो भी और कैटेगरी हैं इनको छोड़ के आपके एसटी को ओबीसी हो गए, जनरल हो गए, इन सब की जनरल के लिए 165 हाइट है, महिलाओं के लिए 155 की हाइट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो हाइट आपका चेस्ट का पता चल गया। अब इसके बाद से जो आपका रिटेन दे लोगे आपका डीवी हो जाएगा। डीवी होने के बाद फिर आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि एक तो भाई आपकी आंख सही होनी चाहिए। क्या सही होना चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6x6 और 1 आई एंड 6x9 इन द अदर आई विदाउट द करेक्शन विदाउट वियरिंग ऑफ ग्लासेस। बिना ग्लास के मतलब चश्मा अलाउ नहीं है। बिना चश्मे के अगर आपका जो ये डिस्टेंट विजन है ये आपका 6x6 या 6x9 होना चाहिए। एक आपका 6x6 है, एक आपका 6x9 है तो चलेगा। बिना ग्लास वाले चाहिए, ग्लास वाले नहीं चाहिए। साथ ही साथ बोला कैंडिडेट मस्ट नॉट है नौकनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक मेडिकल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है यूपी पुलिस में, उस पर भी ये पूरा बता रखा कि नौकनी क्या होता है, फ्लैट फूड क्या होता है, ये सभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हाई कलर विजन भी आपका नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये सब है तो आपको मेडिकल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। फिर कुछ कंसर्न टैटू के बारे में है, ये ध्यान रखिए। कुछ लोग टैटू बनवा लेते हैं तो वो टैटू जो है आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि टैटू जो लोग बनवा लेते हैं उनके लिए ये कंसर्न है कि क्या हो टैटू अलाउ है या नहीं अलाउ है। कई लोग पूछते हैं फोर्सेस में टैटू अलाउ है कि नहीं अलाउ है। तो टैटू अलाउ है कि नहीं अलाउ है, चलिए टैटू के बारे में क्या बोला है। साफ साफ यहां पर बोला गया है कि टैटूज डिपिक्टिंग ए रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोइंग इंडियन आर्मी आर परमिटेड। अगर कोई ऐसा टैटू है जो रिलीजियस रिलेटेड है, चाहे आपका नाम बता रहा है, चाहे कोई एक तरह से बोला है कंट्री रिलेटेड कोई चीज है तो अलाउ है। लेकिन लोकेशन के बारे में क्या बोला है कि टैटूज मार्क्स ऑन ए ट्रेडिशनल साइड ऑफ द बॉडी लाई इनर एस्पेक्ट ऑफ ए फोर आर्म बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिंब और डोर्सम ऑफ द हैंड्स विल बी अलाउ। मतलब आपका जिस हैंड से आपको सल्यूट करना है ना उस हैंड में, राइट हैंड में आपको अलाउ नहीं है टैटूज। टैटू आपको लेफ्ट हैंड में अलाउ है, इनर पार्ट में अलाउ है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि सल्यूटिंग आपकी यह हाथ से होती है, इस हाथ से नहीं, तो इसीलिए अलाउ है। लेकिन जो साइज होना चाहिए वो आपका मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। एल्बो और हैंड, जो भी एल्बो और हैंड है उसका 1/4 पार्ट पे ही टैटू आपका होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पूरा एकदम हाथ पूरा टैटू टैटू करवा लिए तो वो नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब अगर हम बात करें यहां पर कि जिन्हें भी इस की तैयारी करना है, क्योंकि ये बैच मात्र 1.5 महीने का होगा, 1.5 महीने में इसमें हमारा टारगेट रहेगा पूरे परीक्षा प्लस टीम का कि आपका सिलेबस अच्छे से कवर करा के, क्योंकि इसमें आपको क्लासेस के साथ साथ रिवीजन और प्रैक्टिस भी साथ चलेगा, ताकि आपको 1.5 महीने में तैयार कर दिया जाए। और 1.5 महीने के लिए पूरा प्लान आपका आ रहा है और अभी ऑफर के साथ ये बैच दिया जा रहा है। इसमें आपको जैसे जितने भी आपके एएसआई और एससीएम का ये बैच है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, स्टडी मटेरियल आपको पूरा हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रोवाइड किया जाएगा, सभी के सेक्शनल टेस्ट आपको यहां पर क्विज मिलेंगे, इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि आप एकदम निश्चिंत हो जाओ कि 1.5 महीना में अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर दिए हमारे साथ तो ये आपको एएसआई या एससीएम की जॉब, अगर आपको टाइपिंग और स्टेनो आती है ना तो फिर कोई रोक नहीं सकता, 1.5-2 महीने में आप ये वर्दी पा जाओगे, ठीक है। उसके बाद से डाउट सेशन होगा, इसकी वैलिडिटी आपकी टिल एग्जाम तक ही रहेगी, ठीक है। वैलिडिटी टिल एग्जाम, चलिए मैं वैलिडिटी को कुछ महीने तक के लिए इसको बढ़वा भी दूंगा कि चलो अगर 2 महीने में खत्म हो जाता है तो ऐसा नहीं है, एटलीस्ट कम से कम आपका 4 मंथ तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। 4 से जब तक, बाकी तो एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक तो रहेगा, अगर जल्दी हो गया 1.5-2 महीने में एग्जाम हो गया तभी भी ये 4 महीने तक एटलीस्ट रहेगा, 4-5 महीने तक आपका रहेगा। उसके लिए निश्चिंत रहिएगा कि हाँ अभी ऑफर चल रहा है ये 499 रुपए में
आपको मिल जाएगा ये पूरा फुल बैच आपको 499 में, कोई जीएसटी नहीं देना, इतने में ही आप परचेस कर सकते हो। कहां से परचेस करना है तो आप live.parikshaplus.org आप वेबसाइट ओपन करिएगा, ठीक है, हमारी वेबसाइट ओपन करिएगा, गूगल पे जाइएगा और सीधे आप सर्च मारिएगा लाइव डॉट, यहां या तो परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहां से आप बन सकते हैं, या आप सीधे वेबसाइट पे जाइएगा live.parikshaplus.org, वहां आप जाएंगे तो आपको बैच मिलेगा, वहां से आप बैच परचेस कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई बैच लेने में कोई समस्या आ रही तो जो कॉन्टेक्ट नंबर आपका चल रहा है नीचे वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट में करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो जो मैंने बता दिया कि ऑलमोस्ट आपका 80% चीजें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहेंगी, ठीक है, बाकी जो बदलाव होगा 9 तारीख को मैं डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा आपके सामने कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी फोर्सेस के एएसआई और हेड कांस्टेबल के फॉर्म एक साथ फिल किए जाएंगे और इनका एग्जाम पैटर्न कुछ बदलेगा या नहीं, ऑलमोस्ट पैटर्न वही रहेगा सिलेबस में, या हो सकता है कि टाइमिंग में कुछ बदलाव हो, निगेटिव मार्किंग में कुछ बदलाव। तो जो भी बदलाव होगा हम 9 तारीख को जरूर आपको सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।